नंबर डायल करते समय या फोन रिसीव करते समय जो ये +91+1 ये सब जो हम लोग देखते हैं, ये क्या है और क्यों होता है? तो ये ना एक्चुअली कंट्री कोड्स हैं जो कि हर देश का अलग अलग होता है। इसे अमेरिका में कॉल करने के लिए आप पहले +1 लगाना होगा, उसके बाद उसका नंबर लगाना होगा, तभी आप उसको कॉल कर पाओगे जिस भी इंसान को आप लगा रहे हो। अगर आप फ्रांस में कॉल करना चाहोगे तो आपको पहले +33 लगाना होगा अपने डायलिंग पैड में, फिर उसका नंबर। तो मैं आपको यहाँ ये नहीं बताने आया हूँ, बहुत कुछ बताइए कंट्री कोड एंड ऑल दैट। मेन सवाल ये है कि अमेरिका को +1 कैसे मिल गया और इंडिया को +91 ही क्यों मिला? तो बात यह है कि 1950s के समय जब ये टेलीकम्युनिकेशन ग्रो हो रहा था ना, तब नॉर्थ अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था इस टेक्नोलॉजी को हर जगह फैलाने में। वो एक मेजर फोर्स था जो कि सबसे पहले इंटरनेशनल डायरेक्ट कॉलिंग को पॉसिबल किया था, और टेलीफोन का शुरुआती इन्वेंशन अमेरिका और कनाडा से लिंक्ड था, पहली बार उसी एरिया में आया था। और इसलिए आप ये पूरा लिस्ट देखो, ऊपर कनाडा और यूएसए का डायलिंग कोड +1 है, और उसके बाद नीचे है अफ्रीका +20 से शुरू होता है, +20+210 ऐसा है कंट्री कोड। यूरोप में +30+31+33 ऐसा होता है, और नीचे करते करते आप यहाँ देख सकते हो +91 इंडिया का है, +92 पाकिस्तान का है, +94 श्रीलंका का है। अभी के समय कंट्री कोड ये सब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU कंट्रोल करती है, जिसमें सारे कंट्रीज शामिल है। ये पूरे विश्व स्तर की ग्लोबल लेवल की एजेंसी है, और अभी के टाइम पे यही सब कुछ मैनेज करती है। और आपस में सारे कंट्रीज मिलके एग्री किए हैं, उस यूनियन में एग्री किए हैं, साइन किए हैं, ट्रीटीज हैं कि हमारा ये कोड है और तुम्हारा ये कोड है। और अभी के समय में जो जो कंट्री इस कोड पे एग्री किए हैं वो ऐसे ही चल रहा है पीसफुली, और सारे कंट्रीज के समर्थन से ये पूरा नंबर सिस्टम पॉसिबल हो पाया है। तो ये थी एक डीप सी बात जो कि इस +91 नंबर कोड के पीछे थी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन। 7 साल पहले साल 2014 में 1 GB मोबाइल डेटा का एवरेज कॉस्ट था 268.97 रुपए, आपको याद ही होगा। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और कंपटीशन बढ़ता गया और मेजरली रिलायंस जियो के आने के बाद ये गिर गया 11 रुपए पर GB पे। बट अब इस साल ये और भी घट गया है, और आप जान के चौंक जाओगे कि अपडेटेड डेटा के हिसाब से इंडिया में 1 GB इंटरनेट का कॉस्ट कितना सस्ता हो गया है। हर कंट्री में, दुनिया में जितने कंट्रीज है सब में इतने वेरिएबल अमाउंट है ना, सब में बहुत अलग अलग है, आप देख के चौंक जाओगे। देखो कॉस्ट, ये है एक अमेजिंग सा स्टैटिस्टिक्स। अफ्रीका में एक कंट्री है बेनिन, और वहाँ का 1 GB इंटरनेट डेटा का कॉस्ट पड़ता है 2000 रुपए 1 GB के लिए। अफ्रीका में ही चैड नामक एक कंट्री है और वहाँ पे 1 GB इंटरनेट का कॉस्ट है 1680 रुपए। कनाडा में 1 GB इंटरनेट डेटा का कॉस्ट है 904 रुपए। अमेरिका में 1 GB इंटरनेट डेटा का कॉस्ट पड़ता है 600 रुपए। न्यूजीलैंड में पर जीबी है 400 रुपए। फिनलैंड में पर जीबी है 200 रुपए, और ये गिरता है मेजरली यूक्रेन में आके। यूक्रेन में पर जीबी कॉस्ट है 33 रुपए। इसराइल एक कंट्री है, वहाँ पर जीबी कॉस्ट है 8 रुपए। जी हाँ, ओनली 8 रुपए। और इंडिया में पर जीबी कॉस्ट अभी के समय है सिर्फ 6 रुपए 50 पैसे, जो कि पूरे विश्व में, पूरे प्लेनेट में सबसे लो कॉस्ट है इंटरनेट डेटा का। इजंट दैट अमेजिंग कंपेयर्ड टू द एंटायर वर्ल्ड? और ये जो एवरेज कॉस्ट है ये मोबाइल डेटा पे ही नहीं बल्कि सारे कंट्रीज के ब्रॉडबैंड और मोबाइल डेटा के कॉस्ट को मर्ज करके एवरेज निकाला गया है, उसी को दिखाया गया आपको इस वीडियो में। इंटरनेट के बहुत सारे यूजर्स है पूरे दुनिया में, और इसका स्टैटिस्टिक्स का बात करें तो टॉप पे चाइना है, जिसमें 90 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जो कि वहां के पॉपुलेशन का 63% है। फिर आता है सेकंड में इंडिया, जहां 75 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जो कि इंडिया का पूरा पॉपुलेशन का 55% है, ऑलमोस्ट आधा से थोड़ा ज्यादा। अमेरिका में 31 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जो कि वहाँ के पॉपुलेशन का वोपिंग 60-70-80-90 नहीं बल्कि 96% है। मतलब वहाँ पे इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, हर घर में लगभग इंटरनेट है। मतलब अमेरिका में 4% पॉपुलेशन है जो कि इंटरनेट यूज नहीं करता, और समय के साथ साथ इंटरनेट पे ये जो यूजर्स का जो नंबर है वो भी बढ़ते जा रहा है। सो दैट वाज द इन्फो। और एरोप्लेन की जो सीट्स होती है वो ज्यादातर ब्लू ही क्यों होती है? इतने सारे कलर्स हैं। बट प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो काम करते हैं वो सीट्स के लिए, बैठने वाले जगह के लिए स्पेशली ब्लू को ही क्यों चूज किए? तो आप जान लो कि हर एक कलर का एक्चुअली एक मीनिंग होता है, और इंसान का ब्रेन हर एक कलर को एक मीनिंग के साथ एसोसिएट करता है। जैसे आप कोई भी कलर देख रहे हो, जैसे आप ये रेड देख रहे हो, हर एक कलर का ब्रेन पे कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होता ही है। तो जो ये ब्लू कलर्स है ना सीट वाले, वो सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी को फील कराता है। इसका मतलब ब्लू कलर को जैसे आप देखते हो आपको सेफ फील होता है, और ट्रैवल करते समय का वेटिंग टाइम, एक जगह पे बैठे रहना, इन सब से ट्रैवलर्स को बहुत स्ट्रेस फील होता है। और जब आंख ब्लू सीट पे पड़ता है तब सब कॉन्शियसली उनको रिलैक्समेंट फील होता है। आपको पता है जापान का जो टोक्यो है वहां पर जब स्ट्रीट लाइट्स को ब्लू कलर में बदला गया ना, तब वहां का व्यू कुछ ऐसा हो गया, और ये पाया गया कि वहां जो क्राइम का नंबर था ना वो घट गया। मतलब जो क्रिमिनल्स थे उनका दिमाग काल्म हो गया, और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। ब्लू लाइट सच में एक मिस्ट्री है, एक मिस्टीरियस तरीके से ये बॉडी और
ब्रेन को काल्म कर देता है, शांत कर देता है। इनफैक्ट कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि ब्लू लाइट प्लांट के ग्रोथ को बूस्ट करता है। ग्रीन हाउस टुडे का आप ये आर्टिकल देख सकते हो। ब्लू लाइट प्लांट के क्लोरोफिल प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और जो प्लांट का बढ़ने का स्पीड होता है वो बढ़ जाता है और वो जल्दी ग्रो होते हैं। ब्लू कलर दुनिया का सबसे मिस्टीरियस कलर है। चैनल को सब्सक्राइब करके च्युइंग गम को निगल गए तब क्या होगा? सिर्फ एक बार निगल गए तब क्या होगा? और दूसरा केस ये कि अगर आप निगलने की आदत को ही डाल लिए तब क्या होएगा? बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि हमें बचपन में तो ये सिखाया गया था कि च्युइंगम को नहीं निगलना चाहिए, बट क्यों? क्या आपका बॉडी अंदर से जाम हो जाएगा? क्या इंसान टपक जाएगा? तो statistica.com के हिसाब से च्युइंगम इंडस्ट्री $39 बिलियन के आसपास है और ये आने वाले वक्त में डबल होने वाला है। इससे ये दिखता है कि कितने ज्यादा मात्रा में लोग दुनिया भर में च्युइंगम को चबाते हैं, कंज्यूम करते हैं, और इसी दौरान कई लोग च्युइंगम को चबाते चबाते निगल भी जाते हैं। गलती सही सही, तो मान लो आप एक च्युइंगम को गलती से निगल लिए, आप ऐसे चबा रहे थे और गलती से आपको ये फील हुआ कि वो तो गया आपके पेट में। तो पेट में जाने के बाद बहुत लोग ये कहते हैं कि च्युइंगम जो है वो आपके पेट में 7 साल तक रहेगा, बट ये एक मिथ है दोस्तों। रियलिटी ये है कि एक च्युइंगम अगर आप निगल गए तो वो आपके पेट में ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाएगा। अगर एक च्युइंगम आपके पेट में चला गया तब वो खाने की तरह कुछ घंटों में तो नहीं पचेगा, उसको 2 से 3 दिन लगेंगे आपके सिस्टम से बाहर आने में, बट एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी उसको 2 से 3 दिन में ब्रेक डाउन कर लेगा और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। मीन्स एक च्युइंगम निगलने से किसी की मौत नहीं हो जाएगी, 2 से 3 दिन में उस रबर के पीस को बॉडी ठिकाने लगा देगा। इसलिए अगर आप गलती से एक च्युइंगम चबा लिए और पेट में घुसा लिए तब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर इसको इंसान आदत बना ले तब ये किसी को मार भी सकता है, क्योंकि च्युइंगम बाकी फूड्स की तरह जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता है। वाटरमेलन का बीज, च्युइंगम, ऐसी चीजें जो होती है वो इमीडिएटली नहीं पचती और पेट में कई दिनों तक रहती है और इनडाइजेस्टेबल मास के रूप में रहती है जो कि धीरे धीरे आपके पेट से निकलता है। आपका बॉडी थोड़ा मुश्किल फेस करके सक्सेसफुली आपके बॉडी से उसको निकाल देता है। तो मान लो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि च्युइंगम निकलते जा रहा है एकदम, तब ये उसके पेट में ब्लॉकेज करना शुरू कर देगा और ये ब्लॉकेज बाद में जाकर एक डेंजरस ब्लॉकेज में बदल जाएगा। इसको पचाने के प्रोसेस में कई गैसेस पेट में अनवांटेडली जमा होने लगेगी। अगर आप डेली च्युइंगम निकलने लगो तब ये गैस, ये च्युइंगम आपके पेट में प्रेशर पैदा करने लगेगा, फूलने लगेगा आपका पेट, धीरे धीरे आपको पेट में अकड़न सा फील होगा, आपको वॉमिटिंग भी होने लगेगा एंड पेन भी होगा। इसलिए जो आपका क्वेश्चन है ना कि एक बार निगल गए तो क्या होगा, इसका आंसर है एक बार निगलेंगे तो कुछ नहीं होगा, बट बार बार हो तो ये आपके पेट को अंदर से पूरा नॉन फंक्शनिंग बना सकता है, खराब कर सकता है। च्युइंग गम को निगलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और आप कोशिश करो कि ये गलती से भी ना हो और ये इन्फॉर्मेशन सबको पता होना चाहिए। इसलिए वीडियो शेयर